सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ चीटिंग होती है, तो वो मान लो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं, ना तो उन्हें OTP बताए, ना ही पिन नंबर बताए, ना ही ATM के नंबर बताए, ना ही खाते के जो खाता नंबर है वो नहीं बताए। क्योंकि आजकल आप अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से सुनते आ रहे कि किसी व्यक्ति ने इतने पैसे निकाले, किसी उसके खाते से फ्रॉड हो गया। तो ये सारे जो होते हैं ये साइबर क्राइम के अंदर आता है, क्योंकि कभी भी आपको बैंक द्वारा ये नहीं पूछे जाएंगे कि आपके अकाउंट नंबर कितने हैं, आपके OTP आए, उससे OTP को कहीं ना शेयर ना करें। ये सारी चीज़ें बैंक द्वारा आपको शेयर की जाती है, फिर भी गलती से बहुत सारे व्यक्ति ये सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं। किसी फ्रॉड व्यक्ति द्वारा जो कॉल आता है उसमें इन प्रकार के सपने दिखाए जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति उनमें फंस जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपने 10 लाख जीता, आपने 15 लाख रुपये जीता, आप 3000 रुपये डाल दीजिए, आपने जो मैं मैसेज करूंगा आप OTP हमें बता दीजिए, जिसे तुरंत आपके खाते में डाल दिया जाए। तो ये साइबर क्राइम कहलाता है। तो इस प्रकार के जो क्राइम होते हैं ये फ्रॉड व्यक्ति करते हैं, ना तो उनकी लोकेशन होती है, ना ही वो कहाँ से आए, किनके नाम से सिम है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हो। तो मैं कहने का मतलब है, कभी भी आप अपने मोबाइल या अपने मिलने वाले किसी को भी अपने OTP, अपने पिन नंबर, ATM नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको दुविधा में डाल सकती है, क्योंकि मान लो आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं और आपके पिन नंबर किसी को पता हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, वो व्यक्ति आपके खाते में से पैसे निकाल सकता है। क्योंकि ये साइबर क्राइम से कैसे बचे, तो साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीका है, कभी भी आप बैंक द्वारा आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि आपका ATM खत्म होने वाला है, आपके खाते नंबर में ये मिस्टेक है, आप मैं एक मैसेज करूंगा OTP दीजिए, बैंक के द्वारा ये कभी नहीं पूछा। बैंक तो हमें और ये सावचेत करता है, ये जानकारी देता है कि आप कभी भी हमारे द्वारा कभी भी ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, ना ही आप किसी के साथ ये शेयर ना करें, क्योंकि आए दिन ये घटनाएँ घटती हैं, आए दिन होती रहती है, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं जो फ्रॉड व्यक्ति हैं। साइबर क्राइम अगर इस प्रकार की आपके साथ होता है तो आप संबंधित जहाँ भी हेड ऑफिस है वहाँ साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते। मान लो आपके साथ आपके खाते में से 40,000 रुपये पार हो गए किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप जहाँ भी संबंधित थाना अधिकारी है, संबंधित थाना है, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ आप जो हर जिले में एक साइबर क्राइम का अलग से सेल का ऑफिस होता है, वहाँ भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो सारी जानकारी जुटा पाए। क्योंकि ये जो साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं ये बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही जागरूक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के खाते में से 40 से 50,000 निकाले तो वो सिम को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो इससे दिक्कत आती है कि उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कभी भी अपने OTP मोबाइल नंबर पे कोई लिंक आए तो उस पर ना जाए, ना उसे डाउनलोड करें, ना ही OTP। मान लो बहुत सारे लिंक ऐसे भेजे जाते हैं अनजान नंबरों से कि आप इस लिंक को खोलें और इसमें जो OTP है उसे डालें, जिससे आप 50,000 जीत सकते, 1 लाख रुपये जीत सकते, ये सारी चीज़ें आती है। तो आप इस फ्रॉड के बारे से बचने के लिए आप सारे ऐसे जो भी व्यक्ति करे उनसे बच सकते हो। इसलिए दोस्तों ये सारे साइबर क्राइम के अंदर आता है। साइबर क्राइम के लिए हर स्टेट में एक ऑफिस होता है जहाँ भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं, मेरे इस व्यक्ति द्वारा मेरे इसने इतने फ्रॉड कॉल से इतने पैसे निकाल लिए, ये सारी चीज़ें आप बच सकते हैं। इसलिए साइबर क्राइम से बचने का एक ही उपाय है, आप समझदार बने, दूसरों को समझाएं और जागरूक बने, यही आपका बचाव का उपाय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और इससे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको